नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेप न्यूज़। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। वैसे तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आता हूं, मगर पिछले 4 सालों से जिस न्यूज़ का आपको इंतज़ार है वो न्यूज़ अब आपके सामने आ चुकी है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त खुशी और खुशखबरी देने जा रहा हूँ जो आपका इंतजार खत्म कर देगा। अब आपका पैसा आपको मिलने वाला है। हम क्यों कह रहे हैं इस बात को, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा जब आप ये वीडियो पूरी देखोगे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे का बैकग्राउंड, मैं इस समय अपने खेत पर हूं और मुझे अभी अभी एक बहुत बड़ी न्यूज मिली है जो पिछले 4 सालों में अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी वाली न्यूज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और ये वाकई में आप लोगों को खुश कर देगी क्योंकि अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। अब आपका पैसा आपको वापसी मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, क्या होने वाला है, तो हम थोड़ी सी डिटेल बता देते कि अभी 7 दिसंबर की तारीख थी सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पर जनलोक प्रतिष्ठान की सुनंदा कदम जी की तरफ से जो लीगल कार्यवाही की जा रही थी उसमें कुछ सफलता हासिल हुई है। इस 7 दिसंबर की सुनवाई में जज साहब ने क्लियर कर दिया है कि जो आने वाली 14 दिसंबर है, 14 तारीख है, इसमें प्रपोजल के बारे में क्लियर फैसला दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि करने के लिए हम आपके सामने लाए हैं सुनंदा कदम जी को, जो जनलोक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने पूरी खबर बताई है कि हुआ क्या था और किस तरह अब आप लोगों का पैसा वापसी मिलने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को सब्सक्राइब कर ले, बराबर में बेल आइकन को दबा ले और नीचे एक वीडियो के नीचे लाइक का निशान है उसे भी दबा लीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा, जो भी वीडियो हमारी अपलोड होगी टेप न्यूज़ चैनल पर वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, जो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। तो दोस्तों, अब आपका पैसा आपको वापसी मिलने वाला है, बड़ी खुशखबरी है। तो आइए देख लेते हैं कि सुनंदा कदम जी आखिर क्या बताना चाह रही है और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अब 14 दिसंबर को आप लोगों के हक में फैसला देने वाला है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इस वीडियो को। जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से आप सभी की दुआ से बड़े हादसे से बाहर आकर भगवान की कृपा से आप सभी के बीच में आई हूँ। सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। साथियों, मैं आप सभी को पीएचएल मैटर के संदर्भ में लीगल जानकारी देना चाहती हूँ। 25 नवंबर को जनलोक प्रतिष्ठान की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो सबका मिलकर डिसीजन हुआ उस पर जनलोक प्रतिष्ठान ने वर्किंग चालू किया। 6 दिसंबर को जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने मैटर सर्कुलर करके उसकी गंभीरता बताई और 7 दिसंबर को पूरा मैटर मान्य सुप्रीम कोर्ट में लग गया। 7 दिसंबर की सुनवाई में सभी पार्टी के वकीलों ने अपनी अपनी राय बेंच के सामने रखी। सेबी के वकील ने कहा कि सेबी प्रॉपर्टी बेचने में असफल रहे। माननीय लोढ़ा कमेटी की तरफ से प्रपोजल के बारे में पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रख गई है। जनलोक प्रतिष्ठान ने भी बड़े लॉयर को हायर किया है। उन्होंने पीएसएल के 6 करोड़ इन्वेस्टर के हित में, जो आखिर के निवेशक तक पेमेंट देने के लिए तैयार है, जिसकी पूरी लायबिलिटी उठाने की तैयारी है, उनको ही प्रपोजल देना चाहिए, वही बेंच के सामने रखा। जज साहब ने लोढ़ा कमेटी का रिपोर्ट दिखाया जो काफी बड़ा है और मैं पूरा रिपोर्ट पढ़कर सिर्फ और सिर्फ निवेशकों के हित का ही डिसीजन पहले देने वाला हूँ। बाकी इससे रिलेटेड जो मैटर है उस पर निवेशकों का मामला निपटाने के बाद सुनवाई होगी और 14 दिसंबर को प्रपोजल पर डिसीजन देने का जज साहब ने सुनवाई में कहा। बहुत दिनों में डेट नहीं लग रही थी, कोर्ट ने डेट देकर सुनवाई की। सभी पीएसएल निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जनलोक प्रतिष्ठान 2015 से 6 करोड़ निवेशकों की तरफ से चैट कोर्ट से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। चैट कोर्ट में सेबी पीएसएल की प्रॉपर्टी की कीमत 11,000 करोड़ बोल रही थी, लेकिन आज उसी प्रॉपर्टी की कीमत 49,000 करोड़ तक बढ़ गई है। जो प्रॉपर्टी एमआर नंबर लगने के बाद भी बेची जा रही है, जनलोक ने सभी जगह लेटर देकर एक्शन लिए है। बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम पर प्रॉपर्टी है और उनको पता नहीं, लेकिन लैंड माफिया उनको प्रेशर देकर बहुत थोड़े पैसे उनको देकर ये लैंड बेच रहे हैं। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के नाम पर प्रॉपर्टी है उनको उनका बनावट पैन कार्ड, आधार कार्ड बनाकर भी प्रॉपर्टी अवैध तरीके से बेची जा रही है। सभी लैंड माफिया ये सब काम कर रहे और हमारे बीच में झगड़ा लगाने का भी काम कर रहे।
तो हमें सावधान रहना चाहिए, हमें सब सबको इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। जनलोक प्रतिष्ठान 2015 से पीएसएल के 6 करोड़ नियोजकों के लिए लगातार कानूनी तरीके से काम कर रहा है और हमने सभी सिस्टर कंपनियों की लिस्ट भी नोडा कमेटी और सभी रेगुलेटरीज को दी है। इस सब का नतीजा अभी सुप्रीम कोर्ट और नोडा कमेटी की तरफ से जल्द ही सामने आएगा। जैसे कि पीएसएल निवेशकों के अकाउंट में 2500 करोड़ गए, वैसे ही आगे भी हम आखिर के निवेशक तक कार्यरत रहेंगे। जो कोई एक्टिवली काम कर रहा है उनका भी हम स्वागत करते हैं। आप सभी के सहयोग से सफल हो गए, आगे भी आप सभी के सहयोग से आखिर के निवेशक को पेमेंट देने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।